Good morning students. Today we will complete exercise 2.5. We are doing question number 6, part 3. 3 by 2x plus 1 a plus b whole cube. ये identity हमारी लग गई. A cube plus b cube plus 3a square b plus 3ab square. तो a हमारा क्या है? 3 by 2. 3 by 2x whole cube plus 1 का cube plus 3 into 3 by 2 into a square है तो a को हम क्या लिखेंगे? दो बार लिखेंगे. 3 by 2 into 3 by 2 into b हमारा 1 है plus 3 into 3 by 2 into 1 into 1. 27 by 8 3 by 2 x का मतलब क्या है? 3 by 2 को हमको 3 बार मल्टीप्लाई करना है. 3 by 2 multiply 3 by 2 multiply 3 by 2 plus 1 का cube 1 plus 3 to the 9 to the 27 by 8 plus 9 by 4 and this is the answer. बिल्कुल इजी है बेटा, आपको सिर्फ आइडेंटिटी लगानी है. आइडेंटिटीज अगर आपने याद की होंगी तो आपको ये सम्स करने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी. पार्ट 4, x माइनस 2 अपॉन y होल क्यूब. x माइनस 2 बाय 3y होल क्यूब. तो अब इसमें जो हमारी आइडेंटिटी लगी है वो कौन सी लगी है? x माइनस y होल क्यूब. तो a माइनस b होल क्यूब इज इक्वल टू, मैंने यहाँ पे इसलिए एयर भी लिया है बिकॉज यहाँ पर एक्स और वाई हैं, हम कंफ्यूज हो सकते हैं, तो वेरिएबल्स मैंने चेंज कर दिए. ए माइनस बी होल क्यूब ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस थ्री ए स्क्वायर बी प्लस थ्री ए स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 2/3 वाई होल क्यूब माइनस 3 into x into x into 2 by 3 plus 3 into x into 2 by 3 multiplied 2 by 3. तो ये आपका x cube minus 8 by 27 y cube 3 से 3 cut minus 2x square और plus 4x by 3 and this is the students. The question all totally depend on identity, so you have to learn the identity well. Question number 7, part 1, 99 whole cube. इसको distribute करेंगे, 99 को हम क्या लिखते हैं? 100 minus 1 whole cube. Again a minus b whole cube की identity लगाएंगे, a cube minus b cube minus 3 a square b प्लस 3 स्क्वायर 100 क्यूब माइनस 1 का क्यूब माइनस 3 इंटू 100 इंटू 100 इंटू 1 प्लस 3 इंटू 100 इंटू 1 इंटू 1 इसको सॉल्व कर लिखा आ जाएगा 1 2 3 4 5 6 0 100 इंटू 100 इंटू 100 माइनस 1 माइनस प्लस 300. तो ये वाला मेरा यहाँ पर अब कम कर लेते हैं हम लोग. माइनस 3 के ही हमारा आंसर जो है वो आ जाता है, तो इसीलिए हम आइडेंटिटीज का यूज करते हैं.
पार्ट थ्री 998 होल क्यूब, इसको हम एक्सपेंड करते हैं 1000 माइनस 2 होल क्यूब, तो ये हमारी आइडेंटिटी बनी a माइनस बी होल क्यूब इज इक्वल टू ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a² b + 3। तो आप इसको सॉल्व कर सकते हो, आइडेंटिटी मैंने आपको सम करके दिखाया है, आपको बिल्कुल उसी तरह से a की जगह पे 1000 लगाना है और b की जगह पे 2 लगाना है। ओके, अब क्वेश्चन नंबर 8 पार्ट। अब a³ + b³ + 12a² b + 6ab² तो अब हमें ये पहचानना पड़ेगा कि ये किस चीज़ की आइडेंटिटी बन रही है। तो पहले जो इसमें हमसे हो सकते हैं हम वो करते हैं, एक चीज़ का क्यों बनेगा 2 का, इसको मैंने लिखा 2a³ + b³। अब मेरे पास क्या बन गया है, a³ + b³ बन गया है। अब मैं देखती हूँ कि क्या ये मेरे पास 3a² b बन रहा है, क्या देखूँगी कि क्या ये मेरे पास, क्योंकि मेरे पास आइडेंटिटी क्या होती है a³ + b³ + 3a² b + 3a², अब मैं देखती हूँ 12 को 12a² b को क्या बनाती हूँ 3a², तो 3 × a² मतलब 2a × 2a × b, 3 × 2 = 6, 6 × 2 = 12, a² b आगे 12a² b, मतलब ये क्या बन गया मेरा 3a² b, और नेक्स्ट 3a² देखते हैं बनता है कि 3 × a क्या है मेरा 2a × b, क्या है मेरा b ही है, b × b, तो ये अब यहाँ पे मेरा बन गया a³ + b³ + 3a² b + 3ab² = a + b³ = a मेरा क्या बना 2a + b³ = 2a + b, 2a + b, और 2a + b, एंड दिस इज द आंसर। देखो स्टूडेंट्स, आपको सिर्फ पहचानना पड़ेगा कि मेरी आइडेंटिटी बन रही है। हमें आपको फिर देखो, अभी जो मेरे आपको अपनी प्रीवियस लेक्चर में करवा रहा था उसमें 6 स्टेटमेंट्स थी, 3 बार स्क्वेयर था और 3 बार विदाउट स्क्वेयर वाली स्टेटमेंट थी। तो जब हमने इसको a+b+c के होल स्क्वेयर की आइडेंटिटी बनाया तो सेम बन गई थी। अब यहाँ पे 2 बार क्यूब है, 2 बार विदाउट क्यूब है, तो ये हमारी जो a+b के होल क्यूब की आइडेंटिटी है उसमें भी ये होता है 2 बार क्यूब होता है और 2 बार हमारे पास 3a² b और ab² होता है। तो हम बनाकर देखेंगे कि हमारी वो वाली आइडेंटिटी बन रही है या नहीं। माइंड में बना सकते हैं, रफ में बना सकते हैं और फिर उसके अकॉर्डिंग हम लोग क्वेश्चन करेंगे। अभी क्वेश्चन नंबर हमारा जो है उस समय 5th पार्ट कर रहा है, तो 27p³ मेरा क्या हो गया 3p³ - 261/260 मेरा किसका क्यूब बनता है 6 का। आप फैक्टर्स बना के देख सकते हो, देखो 216 के मैंने ऐसे फैक्टर्स बना रही हूँ, 2 1 0 2 8 2 5 2 4 2 27 3 9 3 3 और 3 1। तो 2 × 2 × 2 × 3 × 3 × 3 ये 2³ × 3 × 3³ तो पावर सेम है आपकी, 2³ भी 3 है और 3³ भी 3 है। पावर सेम हो तो बेसिस क्या हो जाते हैं, आपस में मल्टीप्लाई होते हैं, तो 2³ = 6 raised to power, तो ये मेरा बन गया 1/6 raised to power 3 माइनस, अब मैं बनाती -3 × तो ये मैंने बनाया a³ - b³। अगला क्या बनना चाहिए 3a² b, देखते हैं बनता है या नहीं 3a² b। 3 × a, ये क्या है 3p × 3p × b, बी क्या है हमारा 1/6, तो 3 × 3 = 2 कट कर दिया, तो ये बना 3³ = 9, 3² / 2 बन गया 3a²b। अब नेक्स्ट बनाते हैं अपना +3ab² लेट अस सी कि ये बनता है या नहीं। +3 × a हमारा 3p × b 1/6 × 1/6 3² × 2 = 3, तो ये p 1/4 भी आ गया, यानी कि 3a², तो ये हो गया a - b³।
क्या हो गया ये हमारा a माइनस बी होल क्यूब। तो अब ये 3p माइनस 1/6 होल क्यूब इज इक्वल टू 3p माइनस 1/6 3p माइनस 1/6 और 3p माइनस 1/6। तो अब आपको मैंने जो क्वेश्चन था इस क्वेश्चन के जो मैंने आपको पार्ट्स करवाए क्वेश्चन नंबर हमारा 7 था 8 था ये इसके 5 पार्ट्स हैं तो मैंने आपको 2 पार्ट्स करवाए हैं 3 पार्ट्स आपको खुद करने हैं और अगर कोई प्रॉब्लम होगी तो हम उसको सॉल्व करेंगे। ओके स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 9 पार्ट 1 शो x प्लस वाई इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस वाई पहले से साइड में इसकी ले लेती हूँ एक्स प्लस वाई एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। तो जैसे हम सिंपल मल्टीप्लाई करते हैं एक स्टेटमेंट को बाहर निकाल के टू से मल्टीप्लाई वही करेंगे एक्स को मैंने बाहर निकाला एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस प्लस वाई को बाहर निकाला एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई मल्टीप्लाई कर लेते हैं एक्स स्क्वायर पावर 3 माइनस एक्स स्क्वायर वाई प्लस एक्स वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर वाई माइनस एक्स वाई स्क्वायर और प्लस वाई। तो ये एक्स स्क्वायर वाई और एक्स स्क्वायर वाई कट हो गए एक्स वाई स्क्वायर और एक्स वाई स्क्वायर कट हो गए तो क्या आ गया एक्स क्यूब प्लस वाई। आर एक्स क्या है हमारी एक्स क्यूब प्लस वन तो एल एच एस इज इक्वल टू आर हमारा ये दोनों साइड क्या हो गई है टू हो गई। अब इसका जो सेकंड पार्ट है वो भी सेम ऐसे ही है उसमें क्या है आपका एक्स प्लस वाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस वाई तो आप मल्टीप्लाई करेंगे और आपका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 पार्ट 1 27y³ प्लस 125z³ तो 27y³ हमारा बन गया 3y³ प्लस 5z³ तो ये मेरे पास आइडेंटिटी आ गई a³ प्लस g³ इज इक्वल टू a प्लस b a² प्लस b² माइनस ए मेरा क्या है 3y तो 3y प्लस 5z² माइनस 3y × 5z तो 3y + 5z 9y² प्लस 25z² माइनस 15y z एंड दिस इज द आंसर। क्योंकि जब हम किसी क्वेश्चन को आइडेंटिटी से सॉल्व करते हैं तो उसमें आगे सॉल्यूशन के नहीं होता कोई भी उसमें लाइन टर्म नहीं होती है कुछ भी कॉमन नहीं आता वो एज इट इज हमारा आंसर आता है। नेक्स्ट इसमें नेक्स्ट पार्ट है सेकेंड पार्ट है आपका 64m³ 4m³ माइनस 7n³ a³ माइनस b³ इज इक्वल टू a माइनस b a² प्लस b² प्लस तो इज इक्वल टू 4m माइनस 7n 4m² प्लस 7n² प्लस 4m इंटू 7n 4m माइनस 7n 16m² प्लस 49m² प्लस 28n एंड दिस इज द आंसर। क्वेश्चन नंबर 11 फैक्टराइज अब ये फैक्टराइज है तो पहले इसको कर लेते हैं हम इसके फैक्टर्स क्या बनते हैं 3x³ प्लस y³ प्लस z³ अब ये मुझे थोड़ी सी अब ध्यान में रखो अगर आपको आइडेंटिटी याद है तो हमारे पास एक आइडेंटिटी होती है a³ प्लस b³ प्लस c³ माइनस 3abc इज इक्वल टू
ए प्लस बी प्लस सी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी। अब ये मेरे पास ए क्यूब भी बन गया, बी क्यूब भी बन गया और सी क्यूब भी बन गया। अब मुझे ये देखना है कि थ्री ए बी सी बनता है या नहीं। तो माइनस थ्री इंटू ए क्या है, थ्री एक्स इंटू वाई इंटू जेड। तो थ्री थ्री जो नाइन एक्स जेड, नाइन एक्स वाई जेड। तो ये मेरा थ्री ए बी सी बन गया। तो मतलब बस हम ये वैल्यू बनाते हैं अपनी। तो इज इक्वल टू ए थ्री एक्स प्लस वाई प्लस जेड, ए स्क्वेयर थ्री एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर प्लस जेड स्क्वेयर माइनस थ्री एक्स इंटू वाई माइनस वाई इंटू जेड माइनस जेड इंटू थ्री एक्स। तो ये थ्री एक्स प्लस वाई प्लस जेड नाइन एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर प्लस जेड स्क्वेयर माइनस थ्री एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस थ्री एक्स जेड। एंड दिस इज द आंसर। सिर्फ बेटा आप लोगों को आइडेंटिटी को पहचानना है और उसके बाद उसका वैल्यू पुट करनी है। अगर आपको एक बार आइडेंटिटी समझ में आती है तो आप इजीली वैल्यू पुट कर सकते हैं। वेरीफाई दी एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस थ्री एक्स वाई जेड इज इक्वल टू वन बाई टू एक्स प्लस वाई प्लस जेड एक्स माइनस वाई होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस जेड होल स्क्वायर प्लस जेड माइनस एक्स होल स्क्वायर। तो वेरीफाई करने के लिए पहले मैंने एलएचएस साइड ली हुई है इसकी। एलएचएस साइड है मेरी एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस थ्री एक्स वाई जेड। ये अभी अभी मैंने आइडेंटिटी किया लास्ट क्वेश्चन में। तो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस थ्री एक्स वाई जेड किसके इक्वल होता है, एक्स प्लस वाई प्लस जेड देन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस एक्स। ये मेरी एलएचएस साइड है। अब मैं आरएचएस साइड ली। आरएचएस साइड मेरी क्या है, वन बाई टू एक्स प्लस वाई प्लस जेड एक्स माइनस वाई होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस जेड होल स्क्वायर प्लस जेड माइनस एक्स होल स्क्वायर। इसको ओपन करते हैं। वन बाई टू एक्स प्लस वाई प्लस जेड। अब एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर आइडेंटिटी को ओपन करेंगे तो ये बन गई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस टू एक्स वाई। वाई माइनस जेड होल स्क्वायर को ओपन करते हैं, प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस टू वाई जेड प्लस एच इज जेड माइनस एक्स होल स्क्वायर। तो ये हो गया जेड स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स जेड। अब आगे इसको ओपन करते हैं, वन बाई टू एक्स प्लस वाई प्लस जेड। तो ये एक्स स्क्वायर और ये एक्स स्क्वायर टू एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर वाई स्क्वायर टू वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर जेड स्क्वायर टू जेड स्क्वायर माइनस टू एक्स वाई माइनस टू वाई जेड माइनस टू जेड एक्स। अब टू कॉमन ले लेते हैं हम यहाँ से, वन बाई टू एक्स प्लस वाई प्लस जेड टू हमने कॉमन लिया तो ये बचा हमारा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। नीचे टू कट तो ये एक्स प्लस वाई प्लस जेड एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। तो हमारे एलएचएस का भी ये आंसर था और आरएचएस का भी ये आंसर। तो एलएचएस इक्वल टू आरएचएस। तो हमारा प्रूव हो गया वेरीफाई। इफ एक्स प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू जीरो शो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब इज इक्वल टू थ्री एक्स प्लस जेड। इट्स वेरी 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 इंपॉर्टेंट।
100% आता है और इससे रिलेटेड एक और क्वेश्चन आता है साथ में. तो हमें x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू क्या दिया हुआ है, जीरो दिया हुआ है. तो हम इसी से शुरू होते हैं, x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू जीरो. तो यहाँ से मैंने x प्लस वाई इज इक्वल टू जेड को मैं उस तरह ले ली, तो ये माइनस जेड. ठीक है, अब मुझे अपने आंसर में क्या चाहिए, एक्स क्यूब वाई क्यूब इस तरह मुझे चाहिए. तो मैं क्या करूँगी, क्यूबिंग बोथ साइड. तो क्यूबिंग बोथ साइड x प्लस वाई होल क्यूब इज इक्वल टू माइनस जेड क्यूब. इसको ओपन कीजिए, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस थ्री एक्स वाई एक्स प्लस फाइव. अब यहाँ पर मैंने ये आइडेंटिटी लगाई है, ये दो कल आपको मैंने दो आइडेंटिटीज लिखाई थी x प्लस वाई के होल क्यूब की. तो यहाँ पर मैं पहले वाली आइडेंटिटी लिखी हूँ, ये थ्री एक्स स्क्वायर वाई वाली और थ्री एक्स वाई स्क्वायर वाली ना लिखकर थ्री एक्स वाई बाहर कॉमन x प्लस वाई इज इक्वल टू माइनस जेड क्यूब. तो अब ये एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस थ्री एक्स वाई और एक्स प्लस वाई किसके इक्वल है, माइनस जेड माइनस जेड इज इक्वल टू माइनस जेड क्यूब. ब्रैकेट में लिखिए एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू माइनस जेड. तो ये एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब माइनस थ्री एक्स वाई जेड इज इक्वल टू माइनस जेड क्यूब. एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब जेड क्यूब को इधर ले आइए तो ये प्लस हो जाएगा, प्लस जेड क्यूब इज इक्वल टू थ्री एक्स वाई जेड एंड दिस इज द प्रूफ. Hence, proof. हमें ये प्रूव करना था, शो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब इज इक्वल टू थ्री एक्स वाई जेड. अब इसी से रिलेटेड क्वेश्चन नंबर 14 है जो इसी आइडेंटिटी पे आपकी बेस होगा. क्वेश्चन नंबर 14 इसका पार्ट कर रही हूँ मैं. फर्स्ट पार्ट है इसका माइनस 12 raised to power 3 plus 7 raised to power 3 plus 5 raised to power 3. अब सिर्फ इसमें तीन बार क्यूब ही है, इसके अलावा और कुछ भी नहीं है हमारे पास. तो तीन बार क्यूब है तो तीन बार क्यूब, ये चीज. तो पहले हम देखते हैं कि ये बन रहा है, जब तीन बार क्यूब है तो जो नंबर आपको दिए हैं उनको प्लस करो, उनको क्या करेंगे, प्लस करेंगे. तो मैंने इनको प्लस किया, माइनस 12 प्लस 7 प्लस 5. तो माइनस 12 प्लस 12 इज इक्वल टू जीरो. इस क्वेश्चन में हमें ऐसे आता है कि विदाउट क्यूबिंग द नंबर्स फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस वन. ठीक है, बिना क्यूब के आपको वैल्यू निकालनी है. तो आपके पास सबसे पहले क्या होगा कि आप तीनों नंबर्स को प्लस करोगे और अगर इन नंबर को प्लस करके जीरो आ जाता है तो आप क्या लिखोगे, एक्स प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू जीरो. सो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब इज इक्वल टू थ्री एक्स वाई जेड इज इक्वल टू थ्री मल्टीप्लाई एक्स क्या है मेरा, माइनस 12 इंटू वाई क्या है 7 और जेड क्या है 5. 12 फाइव जो 16 और ये 21. तो ये आपका आंसर है माइनस 12 16. ठीक है, तीन बार क्यूब है तो आप पहले प्लस कर देंगे. वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको ये अकेला क्वेश्चन 2 मार्क्स में आएगा, साथ में ये लग के आता था 4 मार्क्स आना ही आना है. इसको आप लॉक कर लो, 100% डेड श्योर है कि ये क्वेश्चन आपको आएगा ही आएगा. फाइंड लेंथ एंड ब्रेथ, एरिया इज गिवन. आपको एरिया गिवन है, आपको क्या निकालनी है, लेंथ और ब्रेथ. तो मिडिल टर्म स्प्लिट कर लीजिए इसकी, 25a स्क्वायर माइनस 28 और माइनस 15a. ट्वेंटी और 15 35 और मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास 300 आ गया. इन दोनों को मल्टीप्लाई करके प्रोडक्ट आपका क्या आता है, प्रोडक्ट 300 ए स्क्वायर और सम आपका आता है माइनस 35. तो यहाँ से हमने 5a कॉमन निकाला, 5a माइनस 4. यहाँ से हमने 3 कॉमन निकाला, 5a माइनस 4. तो 5a माइनस 4 और 5a माइनस 3. तो लेंथ और ब्रेथ उनको निकालनी है. तो
तो लेंथ हमारी आ गई 5a-4 और ब्रेथ हमारी आ गई 5a-3। ये हमारे आंसर। सिमिलरली ये दूसरा पार्ट है तो प्रोडक्ट हमारा इसमें आएगा, प्रोडक्ट इज इक्वल टू 420y² - और सम हमारा आता है -+31। तो इसके फैक्टर बनने जाएंगे 35y² + 28y - 15y - 12। तो यहाँ से 7y मेरा कॉमन आ गया 5y + 4 और यहाँ से मेरा 3 कॉमन आया 5y + 4। तो फैक्टर 5y + 4 और 7y - 3। तो लेंथ मेरी आ जाएगी 5y + 4 और ब्रेथ 7y - 3। दीज आर द आंसर्स। लेंथ और ब्रेथ निकाल लीजिए, फिर हम मिडिल टर्म को स्प्लिट करेंगे और जो दो आंसर्स आएंगे वही हमारी लेंथ और ब्रेथ बन जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 16, आपको वॉल्यूम दी हुई है, आपको लेंथ ब्रेथ और हाइट निकालनी है। इसमें से आपका 3x मैंने कॉमन निकाला तो अंदर क्या बचा x - 4। तो इसको मैं फैक्टर 3 × x × x - 4। तो लेंथ मेरी आ गई 3 यूनिट्स, ब्रेथ आ गई मेरी x units और हाइट आ गई x - 4 units। और ये हमारा क्वेश्चन खत्म। अब नेक्स्ट वाला इसका जो सेकंड पार्ट है उसमें भी हमारे पास वॉल्यूम गिवन है, हमें लेंथ ब्रेथ और हाइट निकालनी है। तो इस पूरी इक्वेशन में मेरा 2k कॉमन आ गया, 2k कॉमन आया तो अंदर मेरे पास y² + 3y - 10। तो ये 2k और मैं इसके फैक्टर्स बना देती हूँ y² + 5y - 2y - 10। 2k y कॉमन y + 5 - 2 कॉमन y + 5। तो 2k y + 5 और y - 2, दिस इज द आंसर। लेकिन इसको हम किस में कन्वर्ट करेंगे, लेंथ ब्रेथ और हाइट। तो लेंथ आ जाती है मेरी 2k यूनिट्स, ब्रेथ आ जाती है मेरी y + 5 यूनिट्स और हाइट आ जाती है मेरी y - 2 यूनिट्स। एंड दिस इज द स्टूडेंट्स, आपको मैंने ये एक्सरसाइज 2.5 कंप्लीट करवा दी है। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप दोबारा कंसल्ट कर सकते हैं। आप वीडियो को पॉज कीजिए, कहीं भी वहाँ से वीडियो को बार बार सुनिए कि मैम ने कैसे करवाया है, और फिर ट्राई कीजिए तो आप उसको टॉपिक को अच्छी तरह से समझ जाएंगे। ओके स्टूडेंट, थैंक यू।